हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं रुचा शर्मा और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। जेएनयू हिंसा के आरोपियों को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि जेएनयू में छात्रों के साथ मारपीट करने वाला आरोपी कौन था। हम आपको बता दें कि एक टीवी चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन का प्रसारण किया था, जिसमें दो एवीपीपी कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जेएनयू हिंसा में उनकी भूमिका थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत 9 लोगों पर हिंसा का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने जिन 9 लोगों की पहचान की थी, उनमें अधिकतर वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्र हैं। पुलिस ने सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन टीवी चैनल के स्टिंग के बाद दिल्ली पुलिस के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि स्टिंग में बीए फ्रेंच के दो छात्र जो एवीबीपी से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं उसने साबरमती हॉस्टल में हुई हिंसा की अगुवाई की थी। स्टिंग में एवीबीपी से ये दोनों छात्र ये भी दावा कर रहे हैं कि पेरियार हॉस्टल पर पहले हमला किया गया, जो कि उनके एक्शन के लिए रिएक्शन था। कथित एवीबीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उसने एक दोस्त को फोन किया जो कि एवीबीपी का संगठन सचिव है। उसने बताया कि उसे एक दाढ़ी वाला व्यक्ति मिला जो देखने में कश्मीरी लग रहा था। मैंने उसे पीटा और फिर पैर मारकर दरवाजा तोड़ दिया। वहीं एवीबीपी की राष्ट्रीय सचिव निधि त्रिपाठी ने स्टिंग में दिख रहे लड़कों के एवीबीपी से जुड़े होने से इनकार किया है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जिन छात्रों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था, उसमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष और एक काउंसलर को भी शामिल बताया था। दिल्ली पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। पुलिस ने आरोप लगाए कि छात्र संघ अध्यक्ष और कई संदिग्ध लोगों ने सर्वर रूम में तोड़फोड़ की। आशी सितंबर 2019 में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष चुनी गई। इससे पहले वे अपने इंटरनेशनल रिलेशन विभाग के क्लास रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं, और तकरीबन 13 साल बाद आयशी ने एसएफआई को छात्र संघ अध्यक्ष का पद दिलाया था। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे रेड नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।